नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 21 जनवरी की रात 9 बजे से 440 वोल्ट का जोरदार झटका लगने वाला है। समय रहते संभल जाइए, आपकी एक बड़ी गलती आपकी जिंदगी को ले डुबो सकती है। दोस्तों, आने वाले समय 24 घंटे आपके लिए बेहद ही खास और उपयोगी साबित होने वाला है, कृपया अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारियां ग्रह गोचर एवं आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और मघा नक्षत्र निर्माण हो रहा है। सूर्य अभी मकर राशि में विराजमान है और चंद्रमा सिंह राशि में संचार करेंगे पूरे दिन और रात। तो ग्रह गोचर काफ़ी प्रभावशील नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले 24 घंटों में आपके लिए क्या शुभ और क्या अशुभ परिणाम लेकर आने वाले हैं, हम पूरे विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले माता रानी के जो सच्चे भक्त हैं, सच्चे मन से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कहें जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि आपके लिए जो शुभ समय है, दोपहर 12:16 से लेकर 1 बजे तक का जो समय है आपके लिए बेहद ही शुभ है। इस समय अवधि में आप किसी भी प्रकार की नए और शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। चलिए अब बात करते हैं आपका दैनिक राशिफल। आज का दिन परिवार के साथ हंसी खुशी में आपका समय व्यतीत होगा और आज आप अपनी मेहनत तथा समझदारी से वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने बहुत दिनों से तमन्ना की थी और आपके मन में जो था। इसके उपरांत यह समय किसी सम्मेलन अथवा समारोह में जाने का अवसर भी आपको मिलेगा और एंजॉय में आज आपका समय व्यतीत होगा। इसके उपरांत यह समय कोई महत्वपूर्ण सूचना या समाचार मिलने से मन में आपका प्रसन्नता बनी रहेगी और किसी समारोह अथवा पार्टी में व्यस्तता का रह सकता है और रुकावट तथा बाधाओं के बावजूद आप अपने सभी कार्यों को निपटाने में सफल रहेंगे। इसके उपरांत यह समय साइंस से जुड़े छात्रों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। माता पिता के रिश्तों में मजबूती आएगी और बिजनेस में पिता का सहयोग करेंगे और खान पान और अपने जीवन शैली पर अधिक ध्यान दिए जाने की इस समय आपको आवश्यकता है। इसके उपरांत यह समय आप अपने आसपास की सकारात्मक लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से अपने अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास और आत्मबल महसूस करेंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यह समय मन में चल रही किसी दुविधा का भी समाधान मिलेगा और मन को आपका शांति मिलेगा। इसके उपरांत यह समय कुछ समय बच्चों के साथ व्यतीत करने से उनके मनोबल में वृद्धि होगी और उनकी जो बच्चों के साथ कुछ दोस्ताना व्यवहार रखकर और उसके साथ कुछ समय व्यतीत करने से आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसके उपरांत आपकी सावधानियां को लेकर बात करती हूँ। यह समय कोई अशुभ समाचार मिलने से, एक कोई ऐसा बैड न्यूज़ मिलने से मन आपका जो है वह व्यतीत रह सकता है और इस समय आलस की वजह से कुछ कार्यों को टालने की भी प्रवृत्ति रहेगी जिसकी वजह से आप अपना भी नुकसान कर सकती हैं। इसलिए आप जितना हो सके कार्य को टालने का प्रयास ना करें क्योंकि वह कार्य उसी समय के लिए होता है। अगर आप उसे टालने के प्रयास करेंगे तो वह कार्य हमेशा के लिए आपका पेंडिंग रह सकता है। इसके उपरांत यह समय युवा वर्ग दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमने फिरने में समय अपना व्यर्थ ना करें, अपने पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा समय आप व्यतीत करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसके उपरांत यह समय विद्यार्थी तथा युवा वर्ग आलस की वजह से अपनी पढ़ाई से किसी भी तरह का समझौता ना करें। कोई पुराना झगड़ा दोबारा आपका इस समय उभर सकता है, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके उपरांत आपके लिए बेहतर यही होगा कि बीती बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें, अन्यथा मन आपका जो है वह बेचैन हो सकता है। इसके उपरांत यह समय कोर्ट के संबंधित मामलों में यह समय किसी भी प्रकार की कार्यवाही करना अभी आपके लिए उचित नहीं है।
इसके उपरांत यह समय आपके करियर और व्यवसाय को लेकर बात करते हैं। यह समय सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ संबंध खराब न होने दें। जिन कामों को आप सहज और सरल समझ रहे थे वो बहुत मुश्किल से पूरा हो पाएंगे, हालांकि आप उन्हें सुलझा लेंगे। ऑफिस में फाइलें और दस्तावेज आप बहुत संभाल कर रखें। इस समय देखिए कोई भी लापरवाही करेंगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। इसके उपरांत आपके लिए लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों बता दें कि यह समय पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की बजाय उचित संबंधों को बनाकर रखें और प्रेम संबंधों में और अधिक नजदीकियां बढ़ेगी। एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत कर पाएंगी और जो पुरानी आपकी बातें थी वह आपका दूर होगा। एक दूसरे पर जो डाउट थी वह आपका इस समय क्लियर होगा। इसके उपरांत यह समय देखिए पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बढ़ने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है और संबंधों में कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने से घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा और घर में खुशहाली बनी रहेगी। इसके उपरांत आपके सेहत को लेकर बात करती हूँ। हर समय नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें, अन्यथा सिर दर्द और थकान की जो समस्या है वह आपकी बढ़ सकती है और आपको परेशान भी कर सकती है। इसके उपरांत व्यस्तता के बावजूद कुछ समय आप व्यायाम और योग आदि के लिए भी जरूर निकालें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और यह समय वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको नुकसान करा सकता है, इसलिए वाहन के में किसी भी प्रकार आप लापरवाही ना करें। व्यसन और तनाव जैसी स्थिति से अभी आप दूर रहने की कोशिश करें तो आपके लिए बेहतर होगा। उपाय की अगर बात करें तो शुक्रवार के दिन सबसे पहले सुबह उठते ही माँ लक्ष्मी का नमन करें और स्नान करने के बाद सफ़ेद या फिर गुलाब वस्त्र का धारण करें। इसके बाद श्री यंत्र व लक्ष्मी के चित्र के सामने या फिर कहीं मंदिर में आप जाकर खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। अगर संभव हो तो कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, क्योंकि कमल का फूल से माँ लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न होते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों तो ये था आपका शुक्रवार के दिन उपाय। इन उपायों को आप जरूर करें, आपको बेहद ही लाभ होगा। दोस्तों अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।